हाय हाय स्टूडेंट, स्टूडेंट, जीआईटी के जीआईटी ऑनलाइन का ऑनलाइन क्लास में आप क्लास। लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सेल्स वाउचर के बारे में। सेल्स वाउचर होता क्या है, सेल वाउचर का उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है, कब किया जाता है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले, जानने वाले हैं। अब देखो कौन जुड़ा है, ऐसे लिख रहा है, मत लिखा करो। राजन बंद करो। तो चलिए इसको करना क्या है। तो सबसे पहले रहा सवाल सेल वाउचर का उपयोग कब करते हैं। तो देखो सेल वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की है क्या है, F8 है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कोई पूछे कि सेल वाउचर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आप बता सकते हो कि जब भी किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। और सेल्स वाउचर के लिए बोला था ना, सेल वाउचर को क्या बोलते हैं जीएसटी में, आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं, आउटवर्ड सप्लाई। लेकिन अब आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए बोला जाता है कि जीएसटी में जो हम लोग काम करेंगे वह सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि दो लेजर क्रिएट करने होंगे, एक सेल B2B और एक सेल B2C। लेकिन B2B का और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये बताया जा रहा है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है, तो यह बिजनेस B2B सेल कहलाता है। और इस वाउचर को क्रिएट करने के लिए यहाँ यहाँ जाना पड़ता है। कहाँ जाना होता है, गेटवे पहली, ध्यान देना, क्रिएट वाउचर टाइप। उसके बाद से देखिए फिर से यहाँ पे B2C के बारे में बताया जा रहा है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है, तो यह बिजनेस टू कंज्यूमर B2C सेल कहलाता है। और इस वाउचर को क्रिएट करने के लिए फिर से जाना होगा गेटवे टैली, क्रिएट और वाउचर टाइप। चलिए हम एक एक करके टैली को ओपन करते हैं और वाउचर क्रिएट करते हैं। और देखो वाउचर क्रिएट करते समय आज हम लोग सीखेंगे ऑटोमेटिक जीएसटी कैसे लगाते हैं। मतलब अभी तक हम लोग CGST ये जीएसटी लगाते थे ना, सेंट्रल टैक्स, लेकिन आज से हम लोग जो क्वेश्चन करें तो ऑटोमेटिक लगेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना क्योंकि आप लोग को भी बनाना पड़ेगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना है, पहले अपने कंपनी को ओपन करना है। तो चलिए कंपनी को पहले ओपन कर लेते हैं, जहां पर रखे हो। और उसके बाद से फाइनेंशियल देखो 2300 भी दिख रहा है ना, पहले अल्ट प्लस F2 करके चेंज कर लेंगे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो अब यहां इतना करने के बाद ध्यान देना आपको आना कहाँ पे है, तो आपको B2B का एक वाउचर क्रिएट करना है। इसके लिए आप बताओ कहाँ होगे, गेटवे टैली क्रिएट। अब ध्यान देना क्रिएट पे आने के बाद से आपको आना है बाउचर टाइप। कहाँ पे आना है, बाउचर टाइप। और बाउचर टाइप पे आने के बाद से यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है, तो नेम में हमको बनाना है सेल B2B। या सेल बाउचर पहले से रहता है, लेकिन हम सेल B2B में क्वेश्चन करना चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो सेल B2B किया और इंटर दबा देंगे। और उसके बाद अलियाज नेम उपनाम कोई हो तो डालिए, तो नहीं इसी नाम से जानते हैं। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, मतलब ये किस टाइप का वाउचर है, तो बताएंगे सेल्स वाउचर, मतलब सेल्स वाउचर का एक हिस्सा है, ठीक है, सेल्स वाउचर ले लिया, उसको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे एक्टिवेट दिस वाउचर यस करेंगे, और यहाँ पे बताया जा रहा है
कि मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो जो नंबरिंग जो देना चाहते हो ऑटोमेटिक देना चाहते हो या मैनुअली, तो मैनुअली करना तो मैनुअली भी कर सकते हो और ऑटोमेटिक करना तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। तो जब हम लोग सेल करते हैं ना तो हमेशा ऑटोमेटिक रखते हैं। रीजन क्या है, जब किसी खरीदते हैं तो बिल नंबर देता है हमको, वो बिल नंबर देख के चलाना होता है, लेकिन जब हम लोग बेचते हैं तो बिल नंबर ऑटोमेटिक वो चढ़ता जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग बढ़ता जाता है। इसीलिए सेल करते समय हमेशा ऑटोमेटिक लेते हैं, मैनुअली हम लोग भरते रहेंगे याद करके कि इतना है 20 बिल बनाया तो चलो 21 नंबर है तो 22 नंबर है। आप लोग देखते हो ना, तो आप लोग या फीस जमा करते हो तो देखना वहां पे जो हम लोग को लिखा रहता है GIT 001, वो अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होता रहा हर एक रिसिप्ट में, 1 2 3 4 5 6 बढ़ता जाता है, तो हमको याद नहीं करना पड़ता है। तो ये बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे आसानी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेथड में आपको रखना है ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक करने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस करेंगे और यहीं पे हमको सेट करना होता है। क्या सेट करेंगे ध्यान से सुनना, सही बुरा आवाज नहीं आ रहा, आज लाइव पड़ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टार्टिंग नंबर, तो स्टार्टिंग नंबर क्या रखना हमको, वन, वन से स्टार्ट हो। फिर से अगला है, ध्यान देना जो नंबरिंग आया है फर्स्ट बिल पे 1 2 3 ऐसे करके आए विथ अब न्यूमेरिकल पार्ट, तो कितना रखना हमको, 3, मतलब ऐसे है 001 002 003, न्यूमेरिकल पार्ट में कितना रख दिया हमने, 3 हम। और अगला है प्रीफिल विथ 0, तो यस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पहले सिस्टमेटिक तरीके से दिखाना है, 00 तो 1 आए, ठीक है 00 तो 2 आए, उसका नंबरिंग अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, इसीलिए इसको भी कर देंगे यस। अब देखो यहाँ पे पूछा जाता है रीस्टार्टिंग नंबरिंग और कब से यह करना है, तो हमने बोला उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से ही, तो क्या डेट है 1 अप्रैल, मतलब जब हम व्यापार स्टार्ट किए हैं तो सेल स्टार्ट, मतलब सेल करेंगे ही करेंगे, तो सेल करेंगे तो बिल जो जनरेट होगा वह 1 अप्रैल से जनरेट स्टार्ट हो जाए, और नंबरिंग क्या उसका 1 से। अब कहा जा रहा है स्टार्टिंग नंबर 1, फिर से अगला पूछा जा रहा है ईयरली या वीकली या नेवर या मंथली या डेली, तो हमेशा जो हम लोग क्या करते हैं जो बिल जो हमारा जनरेट होता है नंबरिंग वह ईयरली ही होता है, 1 साल में कितना बिल जनरेट किया है, डेली करें तो 01 01 हमेशा चालू होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग ईयरली, और एक ईयर में कितना बिल काटा वो चेक कर सकते हैं। और अगला है प्रीफिक्स डिटेल, क्या है प्रीफिक्स डिटेल, प्रीफिक्स डिटेल में पूछा जाता है अप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब यहाँ प्रीफिक्स का मतलब यह होता है उस बिल के नंबरिंग के आगे क्या दिखाना चाहते हो, और सफिक्स का मतलब होता है उस बिल के नंबरिंग के बाद क्या दिखाना चाहते हो। जैसे मान लो हमको देना क्या है, कुछ कुछ लोग ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से देते हैं, जैसे आप ध्यान देना मैं बिल वाइज ब्रेकअप करना बताया तो देखते हैं, हम लिखा था CCS तब था 001, उसके बाद से ईयर लिखा था जो भी था, तो बिल नंबर कैसे जनरेट करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि बिल के सामने जो नंबरिंग 00 आया है तो आए लिखिए पहले B2B, और B2B ट्रांजेक्शन किए तब लिख के आए 001, और तब मान लो यहाँ पे ईयर देना है तो ईयर दे सकते हैं, या मैं अपने संस्था का नाम दिखाना चाहता हूँ दे सकता हूँ गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद से D001 उसके बाद ईयर देना दे सकते हैं। तो ये बोला जाता है कि बिल के प्रीफिक्स मतलब उस बिल के जो नंबरिंग है उसके पहले क्या दिखाना है, मुझे B2B दिखाना है, और सफिक्स बाद में क्या दिखाना है तो हमको ईयर दिखाना है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं प्रीफिक्स देते हैं सफिक्स बहुत कम देते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग अपने कंपनी के अपने फर्म का नाम लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं, तो मैं आपको बताने का तरीका बता रहा हूँ, लिखेगा B2B 001, ठीक है B2B 002 अपने आप चेंज होता रहेगा, B2B तो वहीं पर रहेगा, ये नहीं B2 3 हो जाएगा, ठीक है नंबरिंग चेंज होगा वो हमारा वही रहेगा। तो कैसे देंगे तो बहुत सिंपल है, तो हमको लगाना है, अब लगाने के तरीके क्या है ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे आना है। अब कहा जा रहा है प्रीफिक्स डिटेल कब से एप्लीकेबल हो, बोलो 1 अप्रैल से, तो लिखेंगे B2B और लगा देंगे डैश, तो B2B डैश तब आएगा 001। अब यहाँ पे सफिक्स
मतलब बिल के लास्ट में क्या दिखाना? कुछ नहीं दिखाना, इंटर। और क्या करेंगे? कंट्रोल ए करके सेव, फिर से बनाएंगे सेल्स B2C, और यहां पे लेंगे सेल्स में सेल, उसके बाद से ऑटोमेटिक। यस, अब तो समझाना नहीं होगा हमको। 1 3 यस, उसके बाद से ईयरली रहेगा, और हमको यहां पे दिखाना है B2C, और यहाँ पे डैश लगा देंगे तो B2C001 आएगा इसमें भी। अरे यार, किसका नंबर है इसका? किसी के पास? सर प्लीज, आवाज नहीं आ रहा, आज नहीं आ रहा गधा। किसका नंबर है जी?